आज का हमारा टॉपिक है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो इस टॉपिक में ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम ट्रांसफॉर्मर का सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। इसमें ट्रांसफॉर्मर में एक कोर एंड दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। जब हम ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में साइनसोइडल वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पे करंट I1 फ्लो होती है एंड इस करंट की वजह से ट्रांसफॉर्मर की कोर में फ्लक्स जनरेट होता है जिसको हम फाई कहते हैं। इस फाई का नेचर भी करंट की इक्वलेंट साइनसोइडल ही होता है। सो फेराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब भी कोई चेंजेबल फ्लक्स किसी कोइल से लिंक करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ को E1 कहते हैं और यह जब फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है E2। सो फेराडे के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के इक्वल होता है। अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ टर्म्स अज्यूम कर लेते हैं। N1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, N2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, φm मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू है जिसका फॉर्मूला होता है bm मल्टीप्लाई a। a यहाँ पर कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, bm यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है एंड f इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी होती है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे साइनसोइडल वोल्टेज अप्लाई करने पर फ्लक्स भी साइनसोइडल ही जनरेट होता है। इस फ्लक्स को साइन की वेव फॉर्म में लिखने के लिए इसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी एंड इसको वेव फॉर्म में हम एक साइनसोइडल फॉर्म में शो कर सकते हैं जहां पर फाई एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी है। सो नाउ फेराडे के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के इक्वल होती है। सो ई इक्वल्स टू माइनस एन डीफाई अपॉन डीटी। यहाँ पे डीफाई अपॉन डीटी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज है और एन नंबर ऑफ टर्न्स है। सबसे पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए ई इक्वल्स टू N1। N1 क्या? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, डीफाई अपॉन डीटी। यहाँ पे फाई की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे फाई एम साइन ओमेगा टी, तो फाई एम साइन ओमेगा टी। ई इक्वल्स टू माइनस N1, फाई एम कॉन्स्टेंट वैल्यू है सो ये डिफ्रेंशिएशन के बाहर आ जाती है। तो फाई एम जब साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कोस ओमेगा टी, हम सिर्फ टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। सो नाउ ई इक्वल्स टू माइनस N1 फाई एम ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। नाउ अगर हमें ईएमएफ इक्वेशन को साइन की टर्म में लिखना है तो ई इक्वल्स टू माइनस N1 फाई एम ओमेगा। अब इस कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 90 माइनस ओमेगा टी लिखते हैं, तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी। इस माइनस वाली टर्म को हटाने के लिए ई इक्वल्स टू N1 फाई एम ओमेगा साइन, यहाँ पे माइनस टर्म को हटाने के लिए हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं ओमेगा टी माइनस 90। यहाँ पे साइन के बाहर वाली सारी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स है। इस वाली इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि ई यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी एक साइन वेव ही होती है, यानी कि साइनसोइडल नेचर में ही होती है। जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है। तो अगर हम फ्लक्स को एक रेफरेंस वैल्यू माने तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है। ये इसकी एवरेज वैल्यू है। अब हमें आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम मैक्सिमम वैल्यू में रूट टू का डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ N1 फाई एम ओमेगा है, N1 फाई एम ओमेगा डिवाइडेड बाय अनरूट में 2। जब 1 डिवाइड बाय अनरूट 2 की वैल्यू निकालते हैं तो 0.707 आती है। सो E1 इक्वल्स टू 0.707 N1 फाई एम ओमेगा को हम 2.5F भी लिख सकते हैं। इसमें जब हम 0.707 एंड 2
पाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 4.44. सो अब नाउ E1 की वैल्यू 4.44 N1 φmF होती है. ये प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू है. सिमिलरली पूरा प्रोसीजर यूज लेने पर सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू E2 इक्वल्स टू 4.44 N2 φmF होती है. यहाँ पे N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी शो करता है एंड यहाँ पर N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी शो होता है.